गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5। मैं हूँ आरजे नरेश और वापस आ गया हूँ जुमरा ठीक 10 बजे आपके पास एक अनोखे और एपिसोड को लेकर, जिसमें हम आपके साथ हर वीक एक नया टॉपिक, नई बात और नया मौजू लेकर आते हैं और आपके साथ बातें करते हैं बहुत सारी, क्योंकि इस शो में सिर्फ बातें होती हैं आपकी और हमारी, यानी कि हम सब मिलके अपनी एक दूसरे से दिल की बात दिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और शो इसीलिए ज़रूरी है ये वाला, क्योंकि हम ज़रूरी होती है कि आपकी जो बातें हैं वो हम तक पहुंचें, हमारी बातें आप तक पहुंचें, और हम दोनों की बातें जो है हमारे तीसरे जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उन सब तक पहुँच जाएँ। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सिर्फ लोगों को दिल से दिल तक जोड़ने का ही काम करता है। पिछले लगातार 5 सीजन हम चल कर रहे हैं आपके साथ और इसकी जो पसंद है, या यूँ कह लीजिए कि जो शो की सफलता है, वो इसी बात पे है कि हम लगातार 5 सीजन आपके साथ कर पा रहे हैं। अरे आज भी हम वापस हैं आपके साथ, और क्योंकि भाई फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो उस पर ज़रूर कुछ बात होनी चाहिए। और इस टाइम हिंदुस्तान में जो सीजन है या जो वक्त चल रहा है उसके हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि इस टाइम सबसे ज़्यादा या बहुत इम्पॉर्टेंट वाले फेस्टिवल्स चल रहे हैं। पूरा ये जो मंथ है फेस्टिवल्स है, फुल ऑफ फेस्टिवल्स है, बहुत सी चीज़ें जो आपको लगातार मिलती रहेंगी और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत कुछ आप फेस्टिव सीजन में करते हैं, इंजॉयमेंट होता है, खुशियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है। और उसी के लिए आज हम भी आपके साथ कुछ बात करेंगे, पर क्या बात करेंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की कि क्योंकि ये शो लाइव है 10 से 11 के बीच में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे अवेलेबल जो मीडियम्स हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करें, उन पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले हमारा स्काइप आईडी रेडियो डन RADIOUDAA N, इस आईडी पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट कर सकते हैं। और अभी तक आपने इसे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो भाई क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट सेंड कर दें इमीडिएटली और फिर हम आपके साथ बात करेंगे शो के दौरान। अगर आप स्काइप यूज़र नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल पक्का यूज़ करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है पर्टिकुलर इस शो के लिए उसको याद कर लें, अपने दिमाग में उतार लें, दिल पे कहीं दीवार, दिल की जो दीवारें हैं उस पर चिपका लें, छाप लें, कुछ भी कर लें। 9015173846 इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अगर चाहें तो मैसेज आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे पास, अपना वॉइस नोट या ऑडियो टेक्स्ट के साथ साथ कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी नंबर पे आप हमें मोबाइल कॉल या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पे हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फेसबुक पे दिल से दिल तक का अपना पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके कमेंट पोस्ट किए जा सकते हैं, आप अपनी बात वहाँ से हम तक पहुँचा सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करें, नाम वही दिल से दिल तक, और कोई नाम रखते ही नहीं हम आपके लिए। ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और तरीका वो है हमारी वेबसाइट www.radiodon.com, फीडबैक सेक्शन में जाएं, अपनी राय हम तक पोस्ट कर सकते हैं, और ये राय अगर आप पोस्ट करते हैं 11 बजे से पहले तो शो में उसको भी शामिल किया जा सकता है, पूरी संभावनाएं रहती हैं क्योंकि शो लाइव है, तो जो भी आप 11 बजे से पहले करेंगे वो हम तक ज़रूर पहुँचता है। आज के शो में भी हमेशा की तरह आपको फुल फ्लेज मिलेंगे सब कुछ, यानी कि पहला सेगमेंट दिल वाला डिस्कशन, टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको मिलेगा बीच में एक छोटा सा फीचर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, मेरे मन की बात, और कौन अपने मन की बात हमारे साथ आज शेयर करने वाला है ये देखना होगा, ये तो आपको शो सुनने के बाद ही पता चलेगा। और इस फीचर की सबसे अच्छी बात ये कि हम टॉपिक कुछ भी डिस्कस करें लेकिन जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो लिसनर्स होते हैं, वो अपने मन की कोई भी बात यहाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि जो टॉपिक चल रहा है आप उसी पे अपनी बात रखें, आपके मन में जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट में आपको मिलने वाला है हमारा एक और सेगमेंट, और ये होता है हमारे शो का आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है लवबर्ड्स। लवबर्ड्स में हमेशा की तरह हम एक कपल को इन्वाइट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं, देखेंगे आज कौन होगा हमारे साथ हमारे इस शो में, या इनफैक्ट इस शो के इस सेगमेंट में जिसका नाम है लव बर्ड्स।
अब क्योंकि सबसे पहले आता है हमारा दिल वाला डिस्कशन। दिल वाले डिस्कशन में हमेशा आपके लिए एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है, एक इशू हम आपको देते हैं और उस पर आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने एक मौजू आपके लिए ढूंढा, एक विषय आपके लिए ढूंढा जिसमें हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। आज जो टॉपिक हमने आपको चूज़ किया है आपके लिए वो बहुत सिंपल है और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी बातें हैं जिनका आपको ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमने जो टॉपिक चूज़ किया वो सिंपल सा सेफ्टी टिप्स फॉर फेस्टिवल्स। तो आपको सिर्फ ये बताना है, हमारे साथ शेयर करना है कि कौन सी ज़रूरी बातें हैं या कौन सी सेफ्टी टिप्स हो सकती हैं जो आप जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उन पे आप ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों के लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। सो सेफ्टी टिप्स फॉर फेस्टिवल्स कौन सी बातें, शेयर करें हमारे साथ रेडियो उड़ान स्काइप आईडी RADIOUDAAN या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलरली इस शो के लिए 9015173846 पर। Out of control, to hot dog, go karke go.
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5 और स्टार्ट हो रहा है अब पहला सेगमेंट शो का जिसका नाम है दिलवाला डिस्कशन। दिलवाला डिस्कशन में आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं सेफ्टी टिप्स फॉर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के लिए जो सेफ्टी टिप्स हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, आपको पता है आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में और बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट हो चुके हैं, बहुत सारे सेलिब्रेट हो रहे हैं और होने वाले हैं, तो उनकी तैयारियां आपके घरों में ज़ोर शोर से चल रही हैं। आप हर तरह की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो घर की सफाई हो, शॉपिंग हो या कुछ भी, बहुत कुछ जो आप प्लान कर रहे हैं अपनी फेस्टिवल्स को और भी अच्छा बनाने के लिए। उस टाइम पर ज़रूरी है कि आप कुछ सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखें क्योंकि ज़रूरत होती है इस तरह के सेफ्टी टिप्स जब आप फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बहरहाल अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी रेडियो डॉन RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर इस पर्टिकुलर शो के लिए 9015173846। इन दोनों मीडियम्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या व्हाट्सअप कॉल भी हमें की जा सकती है इसी नंबर पे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि शॉपिंग का बड़ा दौर चल रहा है आजकल, आपको रश बहुत ज़्यादा मिलता है, तो सबसे पहला जो सेफ्टी टिप्स है वो ये हमारी तरफ से यही कि भाई जब भी आप ड्राइव करें तो वो सेफ्टी के साथ होनी चाहिए, ड्राइव सेफली, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर रश बहुत होता है। आप किसी भी तरह की अगर केयर नहीं रखते हैं या कुछ भी आपके यहाँ से कुछ इश्यू होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको मुश्किल में डाल सके, आप रशली ड्राइव नहीं कर सकते या रफली ड्राइव नहीं कर सकते, इस टाइम पर बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करना होता है। या आप कोशिश करें कि आप पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने व्हीकल आप घर पे छोड़ के जा सकते हैं, थोड़ा सेफ मोड है अगर आप चाहें, अगर आप फिर भी अगर अपनी व्हीकल ड्राइव करना चाहते हैं तो उसको बहुत सेफली ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर और सेफ्टी की बात की जाए तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप शॉपिंग के लिए या किसी भी तरह से घर से बाहर निकलें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हों आप कई बार कैरी करते हैं, उनको अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जो भी आपके पास हैं उनको घर पे ही छोड़ के जाएं, क्योंकि आपको पता है किस तरह की खोने की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ बहुत होती है इस टाइम। आप शॉपिंग मॉल में जाएं, लोकल मार्केट में जाएं या किसी भी मार्केट में अगर आप जाते हैं तो रश बहुत होता है, वहाँ पे गिरने का खोने का बहुत खतरा होता है, जिसकी वजह से आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या बहुमूल्य चीज़ें जो हैं उनके नुकसान से अगर आप बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें आप घर पर ही छोड़ कर जाएं। और इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप है फिलहाल के लिए वो ये कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड फैमिली या रिलेटिव्स के साथ मिलने का, तो एक रेंडम प्लान ना करें, जैसा कि अक्सर हम करते हैं कि आपको किसी से मिलना है, कहीं जा रहे हैं तो आपने बहुत अचानक किसी को कॉल करके बताया यहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं, या ऐसे वहाँ पर दिख करना वहाँ पर, लेकिन इस टाइम पर क्योंकि रश बहुत है, सेफ्टी पर्पज़ से भी ज़रूरी है कि आप एक पहले मीटिंग पॉइंट फिक्स कर लें, आपकी जो मीटिंग हो, जो भी आपका गेट टुगेदर हो वो बहुत वेल प्लान्ड होना चाहिए, आप उसको अच्छे से प्लान करें, जगह प्लेस ठीक ढंग से चूज़ करें, सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए सिक्योर प्लेस अपने लिए ढूंढें जहाँ पे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी टिप्स हैं कुछ फ़िलहाल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे पास और भी सेफ्टी टिप्स हैं जिनके बारे में हम लगातार आपके साथ बात करेंगे, आप भी चाहते हैं तो भाई आप भी बता सकते हैं कि कौन सी सेफ्टी टिप्स हैं जो फेस्टिवल्स पे खास तौर पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि रैंडमली जब हम कभी नॉर्मल मूड में होते हैं या नॉर्मल वेदर या नॉन फेस्टिवल सीजन में होते हैं तो आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं रैंडमली, लेकिन अभी क्योंकि सब तरफ हड़बड़ी ज़्यादा होती है, लोग रश में होते हैं, जल्दी में होते हैं, भाग दौड़ होती है, हर किसी को बहुत जल्दी में काम करना होता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने लिए और दूसरों के लिए सेफ हो जाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप जहाँ एक तरफ अपनी मदद करते हैं वहीं पर आप दूसरों की भी मदद इस तरह से कर पाते हैं। We'll be right back.
ਜਾਵਾਂ ਸਪੀਡ ਮੈਂ 220 ਦੀ ਚਲਾ ਉਹਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਆਮ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੁਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੁਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਮਪਲੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਬਲੈਕ ਲੈਦਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹਸੀਨੇ ਨੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਵੀ ਕੁਰਤੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨ ਕਰ ਏਸੀ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੁਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੁਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਮੂਡ ਬਿਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੱਸ बिल्कुल इसी तरह के गाने अब जब बाहर जाते हैं तो इस तरह के गाने अक्सर सुनना पसंद करते हैं, पार्टी मूड में रहते हैं हम हमेशा, और उसी तरह के लाइट मूड पे हमने आपको गाने सुनाने की कोशिश की है। कोई सीरियस गाने नहीं और कुछ अलग तरह के गाने नहीं, बिल्कुल पार्टी मूड के ही गाने हम आज आपको दे रहे हैं। और कोशिश यही है कि आपकी जो पार्टी है वो हमारे साथ भी रेडियो उड़ान पे इस शो के थ्रू भी कंटिन्यूएशन में रहे। बस ये कि हम जो सेफ्टी टिप्स बता रहे हैं आप उनका भी ध्यान रखें, उनके बारे में भी सोचें। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कहीं पर अगर आपको जाना है, घर से बाहर निकलना है, तो आप उसके लिए वेल प्लान्ड हो, बिल्कुल तैयारी के साथ यहाँ से निकलें और सब कुछ एकदम प्रॉपर करके घर से जाएं। इसके साथ जब घर से निकलें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि क्योंकि आजकल फेस्टिवल सीजन है, चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो मार्केट में आपको हर जगह पर कोने कोने पर हर जगह, या यूँ कहें कि कुछ कदम की दूरी पर कुछ ना कुछ मिल जाता है। और कितनी चीज़ें और क्वालिटी उनकी कैसी है उस पर आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब इतनी तादाद में चीज़ें आपको मिल रही हैं, हर कोई अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, हर जगह छोटी बड़ी शॉप आपको मिल जाती हैं, तो उस हिसाब से आप कोशिश करें कि आप अपना पीने का पानी अपने साथ रखें और खाना पीना कोशिश कर सकते हैं कि बाहर से ना खा के आप घर पर ही खाएँ, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें क्योंकि आजकल जैसा कि आप अक्सर न्यूज़ देखते हैं और जिस तरह के फेस्टिवल लगातार इस टाइम चल रहे हैं, मिठाई स्वीट्स या बहुत सी जो बाहर की बनी चीज़ें हैं उनका बहुत प्रचलन होता है, गिफ्ट लेना देना और उनका इस्तेमाल करना, खाना पीना सब कुछ होता है, तो कई बार ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। वेदर भी चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में, या यूँ कहें कि मौसम बदल रहा है इनफैक्ट,
उसकी वजह से जो चीज़ें बदलती हैं, वेटनेस आ जाती है इस मौसम में, तो आपको ख़ास तौर पे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है कि आप अपने खाने पीने पे बेहतर तरीके से ध्यान रखें। इसके अलावा जब आप घर से निकलें और शॉपिंग के लिए, मीटिंग पॉइंट्स के लिए या गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देने जा रहे हैं या किसी छोटी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अराजकता फैला सकते हैं या आपके घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए भी एक मौका होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने घर से बाहर निकलते टाइम अपने डोर्स को और विंडोज़ को प्रॉपर तरीके से लॉक करें, बंद करें, और सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो आप रख सकते हैं, जो सोच सकते हैं और जो कर सकते हैं अपने घर के लिए, वो आपको बहुत ध्यान से रखने चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने घर की सिक्योरिटी खुद नहीं करेंगे तो शायद दूसरे आपकी मदद उतनी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि घर से निकलते टाइम जब भी आप जाएं तो अपने लॉक्स को प्रॉपरली लॉक करके जाएं, जो लॉक्स हैं आपके घर में उनको चेक करें, अगर किसी तरह की कमी आपको लगती है तो पहले उसको ठीक करवा लें, और जल्दबाजी में आप ये ना सोचें कि क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या बार छोटी छोटी चीज़ें ही लाइफ में बहुत असर डाल देती हैं। अगर आप भी हमें कुछ सेफ्टी टिप्स देना चाहते हैं या हमारे लिसनर्स को बताना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्काइप आईडी रेडियोडान RADIOUDAA N, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो कि इस पर्टिकुलर शो के लिए है 9015173846। अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं अपने पहले सेगमेंट में जिसका नाम है दिलवाला डिस्कशन, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अकॉर्डिंगली है सीजन के, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेफ्टी टिप्स फॉर फेस्टिवल्स।
नमस्कार रेडियो उड़ान, मैं सोनी तोमर दिल्ली से बात कर रही हूँ आप सबसे। और रेडियो उड़ान का जो ये शो है दिल से दिल तक, इसका एक छोटा सा सेगमेंट मेरे मन की बात, तो मैं भी आज इसमें प्रस्तुत हुई हूँ अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब हम किसी फ्रेंड की तलाश में होते हैं, या फिर हमारी तलाश में कोई हो, या फिर किसी से हम क्लोज होते हैं, या कोई लड़की हो या लड़का हो, एक दूसरे से जब क्लोज होते हैं तो वो तब तक बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है जब तक हम उससे पूरी तरह क्लोज ना रहें, या फिर हम उसे रिस्पॉन्स देना ना शुरू कर दें। तो जैसे हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे पहले तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जब तक तो वो ऐसा करता है कि जब तक जो भी उसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं होती ना, तो भी वो हर काम, हर बात को मानता है, हर काम करता है हमारे लिए। जब हमारे साथ ऐसा थोड़ा सा लगने लगता है हमको कि हम रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, क्लोजनेस बढ़ने लगती है, तो वो क्या करता है, हमको इग्नोर करने लगता है। और उसको लगने लगता है कि अब मतलब मेरे को रिस्पॉन्स तो करने लगी है, या रिस्पॉन्स तो करने लगा है, अब क्या टेंशन है। तो ऐसा ही होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम में हैं, या फिर मान लीजिए आप उसको मिस कर रहे हैं, तो आप उसको कॉल करते हैं, वो या तो उसको नींद आ रही है या फिर कुछ काम कर रहा है, तो जो भी वो कर रहा होता है उसको वही हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो इसी तरह वो हमको इग्नोर करता है, तब हमको बहुत हर्ट होता है। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है, मेरी जो राय है, मेरी जो व्यू है, वो यही है कि आज के समय में ट्रस्टवर्दी पार्टनर या फ्रेंड ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्टवर्दी फ्रेंड या पार्टनर को हमें ढूंढने में इतना समय लग जाएगा, लेकिन हमें उसे खोने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। जैसे हमने धीरे धीरे उस पर विश्वास बनाया, बहुत समय लगा, लेकिन जैसे उसने हमारा विश्वास ब्रेक किया, वैसे ही हमारा उससे कनेक्शन कट हो जाता है। हम फट से उसको लॉस कर देते हैं और हमको ज़रा भी देर नहीं लगती इस चीज़ में। थैंक यू। यह है हमारा शो का छोटा सा फीचर जिसका नाम है मेरे मन की बात। और मेरे मन की बात में अक्सर हमारे पार्टिसिपेंट्स से लिसनर्स अपने दिल की बात रखते हैं और वो जो शेयर करना चाहते हैं वो हमारे को बता पाते हैं। सोनी तोमर न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से कई बार लोग जब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जब पहले शुरुआत में जब चीज़ें लगती हैं कि बहुत मुश्किल हैं, इंप्रेशन डालना होता है, तो सारी चीज़ें जो आपके रीच में होती हैं या बियॉन्ड रीच होते हैं उनको भी आप पूरी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी के क्लोज होते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं, और जब आपको किसी एक को, दोनों में से किसी एक को लगता है कि शायद रिलेशन कंप्लीट हो गया या रिलेशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिक्योरिटी आती है, तो शायद वहाँ पे फिर एक फॉर ग्रांटेडनेस आ जाती है जहाँ पे आपको लगने लगता है कि आप ठीक हैं। और उसके बाद जो प्रायोरिटी आप पहले अपने पार्टनर को देते थे, शायद उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है, या फिर आप कहते हैं कि ठीक है कर देंगे, कुछ हो सकता है इस तरह की एक कंडीशन आती होगी, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन लाइफ में देखने को मिलती हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सोनी हमारे साथ अपने मन की बात शेयर करने के लिए। उम्मीद है इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ती रहेंगी और अपनी मन की बात हम सारे लिसनर्स और हमारे साथ इसी तरह से शेयर करती रहेंगी। हम बात कर रहे हैं अपने पहले सेगमेंट में जिसमें बात चल रही है सेफ्टी टिप्स फॉर फेस्टिवल्स, और उसमें बहुत सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं। और शेयर करने के साथ साथ हम चाहते हैं भी कि आप, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें, पसंद आए, तो आप इनको बिल्कुल अपनाएं, क्योंकि अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। और कहीं ना कहीं से ये वो सेफ्टी टिप्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर
कर रहे हैं, चाहे वो आपके मैसेजेस के थ्रू हों या फिर आप बताना चाहते हैं और कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं हमारी स्काइप आईडी रेडियो डन RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। और मेरे पास फिलहाल अभी एक वॉइस नोट है, वॉइस नोट को सुनते हैं और देखते हैं कि इस वॉइस नोट में हमारे लिए क्या है। गुड इवनिंग रेडियो डॉन, मैं कशिश रत्रा लुधियाना पंजाब से बात कर रही हूँ। आज जो टॉपिक है सेफ्टी, जैसे कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो मैं सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे दिवाली आ रही है तो सभी लोग एंजॉय तो करें, बट जो क्रैकर्स वगैरह लोग जलाते हैं खुशी के लिए, बट इस बार ध्यान रखें, जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्रैकर्स को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि पोल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जितना हम इसे कम कर सकें तो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमें अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, तो वैसे तो सब ठीक है बट अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस मैं यही कहना चाहती थी और दीपावली की सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ये कशिश जो लुधियाना पंजाब से हमारे साथ जुड़ रही हैं और वॉइस नोट के थ्रू अपनी बात कह रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया कशिश अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे पास जो आखिरी की दो टिप बची हैं उनमें से एक टिप इन्होंने बता दी आपको, तो सेफ्टी पर्पज से है, वही जो ये कह रही हैं हम भी वही कहना चाह रहे थे आपके साथ। मेरे पास आखिरी में दो बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स हैं आपकी सेहत के लिए, आपके लिए और हम सब के लिए। वो एक फायर क्रैकर्स हैं जो आप खुशी के लिए जलाते हैं, खुश होकर जलाते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए क्रैकर्स जलाते हैं, बहुत सारी मनी उस पर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए कि इस बार जो फायर क्रैकर्स हैं उनको ना जलाया जाए, कुछ ऐसा जलाया जाए जो शायद दीपक या मोमबत्ती हो या ऐसी लाइट्स हो जो सिर्फ रोशनी करती हो, किसी तरह का शोर प्रदूषण ना करती है, नॉइस पॉल्यूशन ना होता हो, जिससे धुआं ना होता हो, हमारे वातावरण को नुकसान ना होता हो। और जो दूसरे लोग हैं इस समय जब हम बहुत बड़े बड़े क्रैकर्स चलाते हैं, तो आपको पता है कि अक्सर घरों में बुजुर्ग होते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से बड़ी तकलीफ होती है, जो आपके पेट्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है और इस तरह की जो बहुत सी प्रॉब्लम है वो होती हैं। बहुत धुआं होगा दिवाली के बाद, आपने देखा होगा अक्सर नेक्स्ट डे कितना धुआं या कोहरा कह सकते हैं वो होता है, जो कि फॉग, एक्चुअल फॉग नहीं होता, वो सिर्फ हमारा वो जो हमने रात में किया उसी का शायद एक परिणाम होता है। वातावरण को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। त्यौहार सिर्फ किसी एक का नहीं है, त्यौहार सभी के होते हैं, उनको मनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम अपने आने वाले जनरेशन्स को क्या दे सकते हैं और किस तरह से उनको बचा पाएंगे, क्योंकि अगर ये सब चलता रहा तो शायद वातावरण शायद इस लायक नहीं बचेगा, इन्वायरमेंट इस लायक नहीं बचेगा कि वहाँ पर इंसान सही ढंग से या तरीके से सांस ले सके और अपना जीवन बिता सके। तो थैंक यू वेरी मच कशिश वंस अगेन, और बिल्कुल इन्होंने वो सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, आपको भी हमारी पूरी टीम और सभी लिसनर्स की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक टिप जो मेरे पास और है भाई, वो ये है कि ये चल रहा है पूरा फेस्टिव सीजन, और फेस्टिव सीजन में होता है क्या, हम बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, और इतना ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार्केट जाते हैं, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप फ्रेंड्स के पास जाते हैं, रिलेटिव्स के पास जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं, मीटअप होता है या गेट टुगेदर होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खानी पड़ती हैं, वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता और आप ऐसी जगहों पर शायद मना भी नहीं कर पाते। इसलिए जब ये सीज़न ओवर हो जाए या आपके फेस्टिवल ख़त्म हो तो थोड़ा सा वेट लूज पे भी ध्यान दें भाई, और जो आपने इतनी सारी चीज़ें खाई हैं उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, कुछ अपना वेट लूज करें, कुछ अपने आप को प्रॉपर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कई बार
हेल्थ इश्यू आते हैं, हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इस तरह की कोई भी कोशिश करें जिससे आपको प्रॉब्लम आए। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज का डिस्कशन। हमने आपके साथ आज बात की और कुछ टिप्स शेयर किए कि किस तरह से आप सेफ्टी रख सकते हैं अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते टाइम। और वक्त आ गया है कि मैं आपको कहूँ कि जो आने वाले त्यौहार हैं उसको आप बहुत धूमधाम से मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन उसमें अपनी सेफ्टी और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और अपने आसपास के लोगों का सेफ्टी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो सब लोग सेफ रह सकते हैं। बहरहाल ये डिस्कशन इतना ही, यहीं पे हमें रोकना होगा क्योंकि अब अगला सेगमेंट रेडी है बिल्कुल मेरे पास। और अगले सेगमेंट में हम आपके साथ आएंगे अपने लव बर्ड सेगमेंट के साथ और देखेंगे कि आज हमारा कौन है जो इनवाइटेड कपल है और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना, और गाने से पहले एक और ज़रूरी बात, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक पर, वहाँ पे आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। जब भी आप चाहें हमारे शोज़ के सारे वीडियोस और ऑडियोज़ वहाँ पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और वीडियोज़ के सुनते टाइम, देखते टाइम उन पर आप कमेंट भी अपने पोस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस है। जैसा आप चाहें वहाँ पे अपनी राय आप पोस्ट कर सकते हैं। तो एक प्यारा सा गाना और उसके बाद हमारा शो का आखिरी सेगमेंट लवर्स आपको मिलने वाला है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला जमीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना, जीना
कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना, मेरे हम दम ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हम दम। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आ गया हूँ आपके पास अपने आखिरी सेगमेंट को लेके। इसका नाम है लव बर्ड्स, और लव बर्ड्स में हर वीक हम एक नए कपल को इनवाइट करते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की उनका कैसा एक्सपीरियंस अभी का रहा है। आज भी हमारे साथ एक और कपल है, उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पता लगाएं कि आखिर उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। तो मेरे साथ आज इंदौर से ही सपना अग्रवाल और सुधीर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दें बारी बारी से। मेरा नाम सपना है और मैं इंदौर से हूँ। अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रही हूँ। हमारी शादी 2016 दिसंबर में हुई थी। मेरा नाम सुधीर आवास है इंदौर से, और मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज ए ऑफिसर हूँ। और हमारी शादी 9 दिसंबर 2016 को हुई थी। और बस ये यू कैन से दैट कि लव विद अरेंज मैरिज हुई हमारी। ओके, इन्होंने भी अपने लव को अरेंज कर लिया है, तो लव मैरिज थे बेसिकली ये, उसके बाद उसको अरेंज करके उन्होंने अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया, इस तरह से कुछ ये शादी रही है। तो सुधीर, शादी से लेके अब तक का सफर कैसा रहा है? शादी से लेकर अब तक का सफर बड़ा खूबसूरत है। अब तक तो खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक है। जैसा कहते हैं ना कि शादी करते वक्त कि जैसे अब शादी हुई है तो जो लाइफ पार्टनर है वर्तमान में तो चंद्रमुखी है, और बाकी दो कुशल मंगल है अभी तक तो ठीक है। बाद में ज्वालामुखी बन जाए इसके बारे में बाद में पता चलेगा आने वाले वक्त में, अभी चंद्रमुखी है। और सपना, शादी से पहले और शादी के बाद लाइफ में कितना चेंज आ गया है? मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, मतलब पॉजिटिव चेंज कहूंगी इसे। लोग बात सोचते हैं कि शादी के बाद सिर्फ नेगेटिव चेंजेस आते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। और हाँ, मतलब अब ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ कंप्लीट हो गई है, अपने बारे में कोई सोचने वाला है, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं पर फिर चलता रहता, रोटना मनाना। सुधीर, दोनों का मिलना जुलना कैसे हुआ? कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुलाकात हुई। हम बस मैं तो हेल्पिंग नेचर शुरू से बहुत हेल्प वगैरह करता था, तो मेरे पास ऐसी रिकमेंड है कि यार लड़की है और वो थोड़ा सा लो विजन है और वो एग्जाम वगैरह खुद से देती है, तो अभी तक ब्लाइंड फिल्म में टच नहीं हुई है, कुछ राइटर वगैरह का अरेंजमेंट करना है। तो बस जब से मुलाकात हुई, फिर एमएमआई थी शायद सपना इंदौर में 2014 में ना, फिर इसने राइटर वगैरह की प्रोवाइड कराया मैंने, इसने फिर प्रिपेयरिंग करी, एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो जो भी मुझसे सहयोग बना बस हेल्पिंग नेचर, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते चले गए और पता नहीं हम कब सब पास में आ गए, हमें नहीं पता चला। अच्छा, कुछ मामला ऐसा रहा कि कुछ ये एग्जाम जो होते हैं उन्होंने बड़ी मदद की है। सपना, शादी से पहले दोनों में से प्रपोज किसने किया था? किसी ने भी नहीं किया, ऑनेस्टली बताऊं तो किसी ने प्रपोज ही नहीं किया था। एक्चुअली मैं उसकी स्टोरी है, एक सम्मेलन में गए हुए थे, मुझे पता था कि मतलब ये चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं इनसे, लेकिन डायरेक्टली इन्होंने कभी नहीं कहा मुझे। उसी फ्रेंड के थ्रू इन्होंने मुझे कहा कि उसको बोल कि वो हाँ करे, बोले मुझसे बात करे इस बारे में, तो वो फ्रेंड मुझे बताता था सारी चीजें तो। लेकिन हम दोनों ने डायरेक्टली एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। फिर वन डे ऐसा हुआ कि ये सम्मेलन में गए हुए थे जी, तो वहां पर लड़कियों से मिल रहे थे। फिर मैंने इनको कॉल किया, मुझे पता था कि सम्मेलन में जाने वाले हैं, तो मैंने ऐसे ही कॉल कर लिया। मैंने कहा कहाँ हो, तो बोलते हैं कि मैं सम्मेलन में आऊं लड़की देखने। तो मैंने बोला कोई जरूरत नहीं लड़की देखने की, चुपचाप घर आ जाओ। ओके। तो तब से फिर इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है जाता हूँ। फिर हाँ, उसके बाद मैंने घर पे बताया, मेरे घर पे बताया, फिर इन्होंने इनके घर पे बताया,
फिर हम दोनों की फैमिली एक दूसरे से इंटरेक्ट हुई। तो कुल मिला के किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया शादी से पहले। सुधीर, शादी से पहले या शादी के बाद कोई ऐसी बात याद आती हो जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही हो आप लोगों की लाइफ में, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मुश्किलों भरा हो और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और वो सॉल्व हो गया हो? अभी तो कैसा चला आ रहा है कि कुछ कब आपस में यदि हम कुछ चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट होते हैं तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं एक दूसरे का अभी तक कि कोई दिक्कत नहीं, सब सॉल्व कर लेंगे अपन, अब तक करते आए हैं, चीजें सरलता से आगे बढ़ रही है लाइफ में। तो सुधीर ये बताएं कि सपना शादी से पहले ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद और अच्छी है? नहीं नहीं, शादी के बाद और अच्छी हो गई है। आप कभी मतलब मैच्योर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग गई, बहुत कुछ मतलब कह सकते हैं कि मैं जैसा लाइफ पार्टनर चाहता था मुझे सब वैसा ही मिला है। ओके यस, बस थोड़ा सा सुबह सुबह का माहौल रहता है उठने का, तो उठी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो सुबह का कुछ माहौल है अभी भी, मतलब कुछ तो है जो यहाँ छिपाया जा रहा है, लिसनर्स को बताया जा रहा है। कोई बात नहीं, कभी ये भी पता चल जाएगा अगर ये दोबारा कभी हमारे शो में आए तो। सपना, किस तरह का चेंज कुछ ऐसा लगता हो जैसे सुधीर पहले कुछ ज्यादा लड़ते थे या अब का ज्यादा लड़ते हैं? नहीं, पहले बहुत सॉफ्टली बिहेव करते थे, ऑनेस्टली बताऊं तो, और मतलब जैसे जेंटलमैन होते हैं ना कि मतलब शादी भी हुई है तो अभी मतलब इम्प्रेशन दिखाना है इस टाइप से, तो पहले अच्छा बिहेव किया, अभी भी अच्छे हैं पर कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं, तो कभी कभी लगता है नहीं पहले तो नहीं करते थे अब क्यों करते हैं, तो वो थोड़ा चेंज है, अभी गुस्सा ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली मैंने नरेश भैया वो दूर के ढोल सुहावने रहते हैं ना, वही वाली बात है। ये हैं सपना अहिरवार और सुधीर इंदौर से हमारे साथ, और इनकी शादी लगभग 3 साल होने वाले हैं, अभी दिसंबर में हो जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि इनकी जो लाइफ है बड़ी ठीक चल रही है, खुशहाल चल रही है, दोनों एक दूसरे से खुश है, लड़ते झगड़ते भी। अच्छा वैसे दोनों पे सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है, कौन बताएगा? एक ही चीज है सुबह उठने को लेकर। मतलब दोनों में से कौन पहले उठे इस बात पे लड़ाई होती है? नहीं नहीं, ये उठ जाते हैं, मैं नहीं उठती ये मुझे उठाते हैं आधे एक घंटे बाद कि उठ जाओ 8 बज गई है, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, इसलिए बस और कोई झगड़ा नहीं है, ये एक चीज है। ये थोड़ा लंबा मुद्दा है, ये शायद काफी टाइम तक चलने वाला है, और अब तो वैसे भी सर्दियां आ रही हैं तो और मुश्किल होने वाली सुधीर के लिए। चलिए ये बातें हैं इन दोनों की जो हम इनसे पूछ रहे हैं, बाकी कुछ और बात जो हम अक्सर अपने शो में, इस शो में लोगों से पूछते हैं, इस सेगमेंट में लोगों से पूछी जाती है। सुधीर, सपना में 3 ऐसी बातें जो सबसे अच्छी हों? सबसे अच्छी बातें तो एक तो है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, भले ही वो मतलब उसके हैबिट थोड़ा सा उठने की, भले ही थोड़ा सा हैबिट नहीं है, फिर भी वो कोशिश करती है और अपने अपने कॉन्फिडेंस दिखाती है, वो उठूंगी और करती भी प्रयास, और मतलब एक पॉजिटिव थिंग है सबसे बड़ी चीज तो, ठीक है। दूसरा इसमें है कि कुछ करने की ललक है आज भी, वही जो मैं भी जो इच्छा थी, मतलब एक व्यक्ति रहता है ना जो मैं कुछ करना चाहता और किसी को सपोर्ट करता आगे से, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो, वो एक भूख अभी भी है इसमें पूरी, और सबसे बड़ी जो चीज है कि वो पूरे फैमिली को साथ में लेके चलती है। ओके, तो 3 बातें हो गई जो सपना में सबसे अच्छी हैं, सुधीर ने बता दी। सपना, सुधीर में 1, 2 या 3 कोई अच्छी बातें जो हो ज्यादा अच्छा है, आप भी 3 बता सकती हैं। सबसे पहली चीज मैच्योर है बहुत, अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे सही करता है, ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है इनमें, मैच्योर है तो मेरे को ज्यादा इजी हो जाता है, अगर मैं कुछ करूँ तो संभाल लेंगे। दूसरा, नेचर वाइज जैसा मैं चाहती थी, बहुत नॉर्मल नेचर है, डाउन टू अर्थ है मतलब ऐसे नहीं दिखाते कि मैं मेल हूँ तो मैं ही सब हूँ घर में, नहीं तुम भी हो, तो ऐसा पार्टनर मतलब कहना चाहिए कि बराबरी का हक देते हैं मुझे, मतलब किचन में जाके बर्तन धो लेते हैं वो सीक्रेट है ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात फैमिली में कभी जैसे मुझे एक बात है कि मुझे साड़ी नहीं पहननी अच्छी लगती जी तो मुझे सपोर्ट करते हैं सारी चीजों में, नहीं उसको नहीं पहनना है वो नहीं पहनेगी, ऐसा। तो ये 3 बातें हुई सुधीर में,
और इसमें एक दो सीक्रेट बातें हैं जो आपको नहीं पता चलेंगे। आप कितना भी सुन ले हमारा शो, ये बातें नहीं आपको पता चलने वाली है। ठीक है सपना, ये हो गई अच्छी बातें। सुधीर में तीन ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि अभी के अभी चेंज हो जाएं? मतलब आसान शब्दों में कहें तो तीन बहुत बुरी बातें। मुझे सुबह उठाना। दूसरी? बस एक ही चीज है, बाकी सब तो ठीक है। बाकी सब ठीक है, बस इनको सुबह उठाना छोड़ दें। सुधीर सपना में तीन ऐसी बुरी आदतें या बातें जो आप चाहते हो कि चेंज हो जाएं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस एक वही जो उठना नहीं चाहती मैं उठाना चाहता हूँ सुबह सुबह। और नहीं नहीं बाकी तो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बुरी हैबिट्स कुछ। सब ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, दोनों बहुत डिप्लोमेट हैं पहली बात, और दूसरी बात ये कि दोनों चाहते हैं चीजें ठीक से चलती रहें। दोनों को एक साथ घर में रहना है, हम तो इनसे बातें करके निकल जाने वाले थोड़ी देर में। तो सुधीर और सपना, जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो लोग एक रिलेशन में हैं और शादी में आना चाहते हैं और कई बार उन्हें लगता है कि शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लिसनर्स के लिए चलते चलते आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मेरी ओर से तो बस एक ही संदेश है कि डिसेबिलिटी को हमें कोई चीज को बीच में नहीं लाना, क्योंकि कुछ लोगों के बीच में ऑब्जर्व करता हूँ कुछ फ्रेंड्स सर्कल में, जैसे दो ब्लाइंड लोग हैं वो आपस में सोचते हैं यार कि हम दो ब्लाइंड लोग होंगे तो कैसे क्या करेंगे, और जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है वो तो कर ही लेते हैं। ठीक है, बस मैं एक ही मैसेज दूंगा कि भाई डिसेबिलिटी इज नॉट आवर वीकनेस, सेल्फ इज आवर पावर। तो अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगे तो सब काम, हम कोई सा भी काम हो उसे हम आसानी से कर पाएंगे, तो भी पॉजिटिव रहे तो सब कम हो जाएगा। सपना कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज, अगर किसी कपल में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो आपस में बात करना शुरू करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई गुस्सा है तो बात नहीं करते, पर बात करने से ही सोल्यूशन निकलता है। और हम दोनों ऐसा ही करते हैं, अगर ये मुझसे गुस्सा हो जाता है या मैं इनसे गुस्सा हो जाती हूँ तो हम आगे रह के बात करते हैं, जो भी गुस्सा है वो बात नहीं करता लेकिन सामने वाला पर्सन बात करेगा, तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता हमारे लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो लाइफ को इजी बना देती है। बस तो सुधीर कह रहे हैं कि लाइफ में पॉजिटिव हो जाएं, और सपना कह रही है कि आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी बात, जो भी इश्यूज हैं उनको बात करके सॉर्ट आउट कर लें। तो ये है सपना इरवार और सुधीर आवास जो हमारे साथ इंदौर एमपी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लव बट सेगमेंट में आने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू। आपका भी थैंक यू, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया सबको बताने के लिए कि लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरा भी टाइम हो रहा है जब मैं आपसे कहूंगा टाटा बाय बाय, भाई तैयारी करें दिवाली के जोर शोर से, लेकिन ध्यान रखें कि दिवाली आपकी दिवाली सेफ हो, सुरक्षित हो और बहुत अच्छी बीते, और थोड़ा पॉल्यूशन का ध्यान रखें, पर्यावरण को बचाएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक एक और एपिसोड लेके, ठीक 10 बजे आऊंगा जुमेरात को। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो डॉन फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। Oh,
था जो कह चुकी मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझे से ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ करती हूँ